नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो आइए देखते हैं हमारे कुछ खास खबरें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट की पहली बैठक में 25,000 पदों पर तत्काल भर्ती की दी मंजूरी। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद 25 मार्च को होगा योगी कैबिनेट शपथ ग्रहण समारोह। अमित शाह और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात से गरमाया उत्तर प्रदेश का सियासी पारा। सैफई में होली मिशन मिलन समारोह के दौरान सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कहा कि कभी बूढ़ी नहीं हो सकती समाजवादी पार्टी। कन्नौज में कलयुगी पुत्र ने अपने पिता को खुरपी मार मार कर उतारा मौत के घाट, पौत्र ने अपने पिता के खिलाफ दर्ज कराई FIR। फरुखाबाद में एसटी लाइन से चपेट में आने से युवक की मौत। फरुखाबाद में जमीनी रंजिश के चलते दो पक्षों में नरसंहार, एक की मौत, तीन घायल। फरुखाबाद बाईपास से घर जा रहे फौजी को दबंगों ने पीट पीट कर किया लहूलुहान। फौजी ने लगाया लूट का आरोप। अवैध शराब को पकड़ने की रंजिश में दो पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक घायल। फरुखाबाद शौच करने गई किशोरी के साथ गैंगरेप। तो आइए अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। थाना कमालगंज क्षेत्र में दूधिया को मारपीट कर किया घायल। थाना अध्यक्ष की ताबड़तोड़ कार्रवाई से दबंगों की हालत पतली। दरअसल दूधिया यादराम निवासी राजेपुर सराय मेदा दूध बेचने निकला, उसी समय रास्ते में यादराम को पकड़कर दबंगों ने सारा दूध फैला दिया और दूधिया को मारा पीटा, जिसके बाद थाने में सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष अमरपाल सिंह ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर दबंगों में खलबली मचा दी। तो वहीं बीते दिन शमशाबाद थानाध्यक्ष मनोज कुमार भाटी ने होली को नए रूप में मनाते हुए किया धरती माँ का श्रृंगार। दरअसल ढाई घाट पर गंगा तट पर थानाध्यक्ष मनोज कुमार भाटी ने होली को अनोखे रूप में मनाया। उन्होंने ये पेड़ लगाओ जीवन बचाओ नारे के साथ सैकड़ों पेड़ लगाकर लोगों को प्रकृति की ओर जागृत किया। थाना अध्यक्ष के द्वारा किए गए इस कार्य की चर्चा आम जनमानस में खूब चल रही है। तो आइए अब सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की खास खबर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज पुलिस प्रशासन ने शहर व देहात के थानों में पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे को रंग व गुलाल लगाकर होली का पर्व मनाया। समस्त पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे के रंग में सरोबोर कर दिया। खुशनुमा माहौल के बीच एक दूसरे को गले लगाकर खूब बधाइयां दी और डीजे की थाप पर जमकर थिरके। हमारी जनपद फरुखाबाद में पुलिस कर्मियों ने जमकर होली खेली और डीजे की थाप पर खूब ठुमके लगाए। थाना मऊ दरवाजा में पुलिस कर्मी डीजे की थाप पर जमकर थिरके। थाना अध्यक्ष आमोद कुमार सिंह ने सभी को होली की बधाइयां दी। तो वहीं शहर कोतवाल का भी यही हाल रहा। कोतवाल विनोद कुमार शुक्ला ने गुलाल लगाकर बधाइयां दी। कमालगंज थाना अध्यक्ष अमरपाल सिंह ने होली के संबंध में खूब बधाइयां बांटी। थाने में जमकर डीजे की थाप पर थिरके पुलिस कर्मियों को देखते नहीं बन रहा था। यही हाल कोतवाली फतेहगढ़ में भी रहा। डीजे की थाप पर मस्त होकर चढ़ा कपड़ा फाड़ होली का बुखार। पुलिस कर्मियों ने जमकर एक दूसरे के कपड़े फाड़ फाड़ कर होली मनाई। अब आ जाइए होली के जश्न में डूबे फरुखाबाद के पुलिस कर्मी। अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा जी के आवास पर, जहां आवास परिसर में फाल्गुनी मस्ती में पुलिस कर्मियों के बीच पदों के फासले मिटते नजर आए। अफसर हो या थानेदार, सबने एक दूसरे को खूब गुलाल लगाया और रंगों से सरोबोर कर दिया। तो आइए देखते हैं SP आवास परिसर की एक झलक। Thank you.